लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की नागौर संसदीय सीट से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की राजनीति में एंट्री हो सकती है। कनिका बेनीवाल के लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतरने की चर्चा की वजह नागौर की सीट से अभी तक कांग्रेस उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ है, जबकि यहां से भाजपा ने तो पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को टिकट दे दिया है। दरअसल नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं, मगर गठबंधन होना दिख नहीं रहा है। गठबंधन हुआ तो खुद बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, नहीं होने की स्थिति में आरएलपी की टिकट पर कनिका बेनीवाल को चुनाव लड़वाया जा सकता है। हनुमान बेनीवाल से गठबंधन को लेकर कांग्रेस अभी असमंजस की स्थिति में है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि मुकुल वासनिक के जरिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत जैसे नेता हनुमान बेनीवाल के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन की पैरवी कर रहे हैं, जबकि दिव्या मदेना हरीश चौधरी जैसे नेता खिलाफत करने से नहीं चूक रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हनुमान बेनीवाल ने नागौर सांसद रहते हुए खीवसर से चुनाव लड़ा और जीते भी। ओसियां से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्या मदेना व बाड़मेर के वायतू से हरीश चौधरी के वोट कटवाने का आरोप लगातार लगता रहा। नागौर लोकसभा सीट का इतिहास अगर हम जाने तो राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट कांग्रेस के कब्जे वाली कही जा सकती है। यहां 7 चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। हालांकि 3 बार भाजपा के टिकट से भी सांसद बने हैं। सबसे खास बात तो ये है कि नागौर संसदीय क्षेत्र में मिर्धा परिवार की राजनीति खासे मायने रखती है। कुचेरा के मिर्धा परिवार ने देश और नागौर से नाथुराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, भानु प्रताप मिर्धा, ज्योति मिर्धा जैसे सांसद रहे हैं। ज्योति मिर्धा को कौन देगा टक्कर, अगर इसकी हम बात करें तो नागौर सीट से आम चुनाव 2024 में भाजपा ने ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। ज्योति मिर्धा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। विधानसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा को अपने चाचा कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा के सामने हार का सामना करना पड़ा। वहीं लोकसभा चुनाव 2009 में कांग्रेस के टिकट पर नागौर सांसद बनी ज्योति मिर्धा साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीआर चौधरी व हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव हार गई थी। अब देखना ये होगा कि नागौर की सीट सियासत का ताज किसको पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।